असलकूम वेलकम बैक आज की वीडियो में हम क्या करेंगे अगर हम तो हमने लास्ट से पिछली से पिछली वीडियो में जब हमने इंफॉर्मेशन को रेंडर करवाया था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि वन एवर जब भी हम अपनी प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाती है और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैकेट को रेंडर करवाता हूँ अब आप देखें जब भी मैं यहाँ पे इसका साइज चेंज करता हूँ इसको लार्ज करता हूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज ही आएगी टू कार्ट होगी लार्ज नहीं होगी टू कार्ट क्या तो देखें एक्स्ट्रा लार्ज और ब्लैक मेरी रेंडर हो रही है तो इसको हम चेंज करेंगे हमने कहा था कि हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका वेरिएंट और आईडी आएगी उसके थ्रू हम इस सारे को चेंज करेंगे तो ये काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे और आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और वी एस कोड में मैं अपने स्क्रिप्ट टैग के ऊपर एक और स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग और इस पर अब हम काम स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक कस्टम एलिमेंट क्रिएट करते हैं कस्टम एलिमेंट डॉट डिफाइन और इसके बाद हम इसको दे देते हैं स्ट्रिंग देते हैं डिफाइन सेलेक्टर की और वेरिएंट सेलेक्टर की सॉरी वेरिएंट सेलेक्टर ओके अब इसको यहां से सेव करके हम ऊपर जाते हैं ऊपर अपने डिव में जो कि हमारा वेरिएंट सेलेक्टर का डिव था वेन वेरिएंट सेलेक्टर के अंदर अनलेस के बाद जो हमारे पास डेटा यू वाला जो वेरियंट का टिव है ये वाला इस टिप में हम इसको चेंज करके इसके अंदर हम अपना जो एलिमेंट हमने नीचे वेरियंट सेक्टर डिफाइन किया है वो इसके अंदर हम डिफ की जगह उसको यूज़ करेंगे सो यहाँ पे हम आते हैं वेरिएंट सेलेक्टर ओके नेक्स्ट यहाँ से हम अपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे अपने वेरिएंट सेलेक्टर का और हम यहाँ पे आते हैं इस फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट में हम मैं क्रिएट करता हूँ वेरिएंट सेलेक्टर ओके वेरिएंट सिलेक्टर हमने क्रिएट किया यहाँ पे हम सेमी लगा देंगे और इस वेरिएंट सेलेक्टर के ऊपर और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जो हमारे पास एक क्लास क्रिएट करेंगे सो so, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम आके एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास वेरिएंट सेलेक्टर एक्सटेंड्स एच टी एम एल एलिमेंट और इस क्लास के अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ओके okay. इस क्लास के अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर जो हमने कहा था क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर यूज़ करते हैं एंड अब इसके अंदर आके हम कहते हैं कि जो हमारा एड इवेंट लिस्ट इसमें ऐड करेंगे जैसे कि मैं कहता हूँ दिस डॉट ऐड इवेंट लिसनर चेंज अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये एक इवेंट लिस्नर है हमने इसको ऐड किया इसके अंदर और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ऑन वेरिएंट चेंज के नाम से ऑन वेरिएंट चेंज के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया इसके अंदर मैं क्या करता हूँ मैं एक कंसोल लगाता हूँ कंसोल लॉग पेंसोल डॉट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएंट सिलेक्टेड चेंज अब इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको हमने चेंज किया और लिखा और यहाँ से इसके आगे हम एक सेमी लगा देते हैं सेव इट ओके अब यहाँ पे हमने जो इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर में पास नहीं किया हम इसको यहाँ पे पास कर लेते हैं दिस डॉट ऑन वेरिएंट चेंज का फंक्शन हमने इसको पास कर दिया ओके okay, इसको हमने सेव किया सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और लेट्स रिफ्रेश किया यहाँ से इसको कंसोल को क्लियर किया लार्ज किया तो देखिए वेरिएंट सिलेक्टेड चेंज हमारे पास आ गया कि अब हमारे पास कुछ भी चेंज किया हमने वेरिएंट में तो वो हमारे पास कंसोल में शो हो गया वापस यू कोड में आते हैं और कंसोल डॉट लॉग को जो हमने लिखा था इसको डिलीट कर देते हैं अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि हमारे पास होगा गेट सिलेक्टेड ऑप्शन के नाम से तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट सिलेक्टेड ऑप्शंस ओके ये हमारा फंक्शन क्या होगा ये हमारे पास जो सिलेक्टेड ऑप्शन होगी ये गेट करके हमें प्रोवाइड करेगा इसमें हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं और ऑन वेरिएंट चेंज के अंदर हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं तो दिस डॉट गेट सिलेक्टेड ऑप्शंस सेमी कॉलन वापस आते हैं गेट सिलेक्टेड ऑप्शन के अंदर और इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं हम कहते हैं दिस डॉट ऑप्शन इज़ इक्वल टू अरे डॉट फ्रॉम दिस डॉट अच्छा एक हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर होते ही है क्यूरी सिलेक्टर अच्छा अब ये हम कहाँ से लेके आ रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास ऊपर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे ऊपर एक सेलेक्ट की ऑप्शन होती है ये अब इस सेलेक्ट का जो हमारे पास जो टैग है इससे हम ऑप्शंस की वैल्यू लेके आ रहे हैं तो वापस जाते हैं अपने फंक्शन में तो दिस डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल इस फंक्शन के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट और सलेक्ट को के अंदर लिखवा देते हैं सेलेक्ट डॉट वैल्यू वैल्यू ओके आ हम नीचे एक कंसोल का फंक्शन लिख लेते हैं कंसोल हमें पता चलता रहे कि जो हम साथ साथ लिख रहे हैं वो वर्किंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा दिस डॉट ऑप्शन ऑप्शन कंसोल को क्लियर करते हैं और जैसे ही मैंने लार्ज को क्लिक किया तो मेरे पास देखें लार्ज और ब्लैक जो उसकी ऑप्शन थी वो मेरे पास आ गई हैं मैं यहाँ पे लार्ज की बजाय स्मॉल को क्लिक करता हूँ तो स्मॉल और ब्लैक हमारे पास आ जाएगा अपने ऊपर डिफ की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास डिफ था सेलेक्ट का जो ये है जस्ट बिफोर एंड फॉर से पहले इसके अंदर हम जाके एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं स्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट की हम टाइप दे देते हैं एप्लीकेशन जेसन और इसके अंदर जाके हम अपने जो जेसन में इन फॉर्म ऑफ जेसन हम प्रोडक्ट्स के वेरिएंट पास कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट वेरिएंट्स जेसन ओके okay, अब वापस हम आते हैं नीचे अपने फंक्शन पे और यहाँ पे आके हम एक और फंक्शन लिखते हैं गेट वेरिएंट जेसन के नाम से मैं यहाँ पे तुम लिख गेट वेरिएंट जेसन और इस फंक्शन के अंदर हम जो हमारे पास जेसन से वेरिएंट आ रहा है उसको लेके आएंगे तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस डॉट वेरिएबल वेरिएंट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट वेरिएंट डेटा और जेसन पार्ट्स जेसन डॉट पार्ट्स का हमने यूज किया जेसन डॉट पार्ट्स को और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्यूरी सेलेक्टर में जो हमारे पास डाटा आ रहा है दिस डॉट क्यूरी सेलेक्टर एंड यहाँ से हम जो हमने टाइप ऊपर लिखी थी एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो टाइप लिखी थी वो हम यहाँ पे पास करेंगे अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये एक अरे होगी और फर्स्ट ये सिंगल कोट के अंदर आएगी और सेकंड टाइप सिंगल कोट के अंदर और यहाँ से हम डबल कोट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपनी टाइप दे देंगे एप्लीकेशन जेसन इसको आप डबल चेक कर लीजिएगा इसके जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और यहाँ पे हम क्या करेंगे डॉट टेक्स कॉन्टेंट कि हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई की और इसके बाद सेमी कॉलर लगा के नेक्स्ट हम मूव करेंगे और जो दिस डॉट का वेरियन डाटा है इसको रिटर्न कर देंगे वापस फंक्शन में तो रिटर्न दिस डॉट वेरियन डाटा अभी हम किसको रिटर्न करेंगे ये हम रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन को ओके okay. अब इसके बाद हम क्या करते हैं हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं गेट सिलेक्टेड वेरिएंट के नाम से कि जो हमारे पास सिलेक्टेड वेरिएंट होगा वो हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं गेट सिलेक्टेड वेरिएंट ओके और इसको हम अपने ऑन वेरिएंट चेंज के अंदर इसको फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट गेट सिलेक्टेड वेरियंट इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और वापस गेट सिलेक्टेड वेरिएंट के फंक्शन के अंदर हम मूव करते हैं डॉट करंट वेरिएंट इज इक्वल टू अब यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन था हमारा गेट वेरिएंट जेसन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट गेट वेरिएंट जेसन डॉट फाइंड के इसके अंदर से हम एक फाइंड का फंक्शन हमने लगाया और उस फाइंड के फंक्शन के अंदर हमने कहा कि हमारे पास है एक वेरिएंट एंड उसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फाइंडिंग के नाम से फाइंडिंग और इसमें हमने कह दिया वेरिएंट डॉट ऑप्शन ऑप्शन डॉट मैप ऑप्शन डॉट मैप हम करेंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे आके ऑप्शन option, और ऑप्शन के साथ हम के साथ हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर दें और यहाँ पे हम करते हैं दिस डॉट ऑप्शन और इधर हम अरे देते हैं इंडेक्स की और इसको हम कहते हैं इक्वल टू इक्वल टू हमारी ऑप्शन ओकेट okay, right. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है अगर हमारे पास ऑप्शन मैच कर जाती है इसका मतलब है कि हमारे पास दो ट्रू की बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है एक ट्रू की अगर तो हमारी ऑप्शन वन यानी कि हमारा साइज़ मैच हो रहा है तो एक ट्रू तब आएगा और सेकंड ट्रू हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास जो हमारा कलर है वो मैच करेगा तो अगर तो हमारे पास दो ट्रू आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा वेरिएंट मैच कर रहा है अगर नहीं आते तो डेट्स में कोई एक भी फॉल्स आ जाता है या दोनों फॉल्स आ जाते हैं तो हमारा वेरिएंट मैच नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे आके एक हमारे पास होता है इंक्लूड का फंक्शन वो लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से रिटर्न करूँगा इंक्लूड्स फॉल्स तो हम इसमें चेक करेंगे अगर कह लेते हैं हमारे पास कोई भी ऑप्शन दोनों फॉल है फॉल्स है तो हम दूसरी ऑप्शन को चेक करेंगे मतलब कि ये हमारी राइट ऑप्शन नहीं है अगर तो हमारे पास दोनों ट्रू हो जाती हैं तो डेट्स मीन हमारा वेरिएंट मैच कर गया है तो यहाँ पे हम जब नोट लगा देंगे तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है तो ये ट्रू ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाती है सो हम आगे मूव करते हैं आगे हम यहाँ पर एक फाइंडिंग का जो हमारे पास फंक्शन है हम उसके तरफ आगे मूव करते हैं और एक चेक लगाते हैं यहाँ पे अगर तो इफ अगर तो हमारी फाइंडिंग्स जो है वो सारी ट्रू हैं तो हम एक वेरिएंट को रिटर्न कर देंगे जो वेरिएंट हमारे पास होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न वेरिएंट के अगर हमारी फाइंडिंग्स में जो दो वैल्यूज़ आनी थी वो ट्रू हो गई हैं तो आप वेरिएंट रिटर्न कर दो और इसके बाहर आके हम यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं console.log डॉट लॉग और इसमें दिस डॉट करंट हम ले आते हैं दिस डॉट करंट मेरे ख्याल से ही हूँ फिर फाइंडिंग्स की स्पेलिंग मिस्टेक है सेव करते हैं इसको हमने इसको इंक्लूड के बाहर का इंक्लूड को इसके बाहर लिखेंगे सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लियर ना इसको हम जैसे लार्ज करते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे इसकी आईडी भी आने लग गई है आईडी जो हमें चाहिए थी ए, हमारे जो करंट मतलब के लार्ज और ब्लैक वाले वेरिएंट की जो आईडी थी वो प्रोडक्ट आईडी वही आ गई है सिमिलर वे से मैं इसको जैसे ही ब्लू करूंगा तो लार्ज और ब्लू प्रोडक्ट की जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाए एक्सटी वन आ गई लार्ज और ब्लू अब हम आगे क्या करेंगे हम इस आईडी को अपने प्रोडक्ट के यूआरएल में लेके जाएंगे कि हमें ये यूआरएल में शो हो तो अब हम अपडेट यू की तरफ मूव करते हैं हम अपना यू आर एल इसके बाद अब अपडेट करेंगे सो नेक्स्ट फंक्शन जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो हमारा पास होगा अपडेट जू आर एल का अपडेट जूअर एल का फंक्शन लिखेंगे अपडेट जू आर एल और अपडेट जूर एल के अंदर हम क्या करते हैं हम एक इफ लगाते हैं इफ दिस डॉट करंट वेरिएंट क्या करें विंडोज डॉट हिस्ट्री प्ले स्टेट का फंक्शन लगाएंगे रिप्लेस स्टेट और रिप्लेस स्टेट के अंदर हम एक एम या फिर उसके बाद हम और उसके बाद हम पैक टिक लगाएंगे अब इसके अंदर हम कंकटी करेंगे अपनी क्यूरी को so, सो डेटा सेट हम यहाँ पे लेते हैं दिस डॉट डेटा सेट डॉट यू अब ये हमारे पास डाटा सेट कहाँ से आ रहा है ये डाटा सेट हमारे पास ऊपर से आ रहा है यहाँ से और सिमिलर वे से हम वापस नीचे आते हैं यू और इसके बाद हम यहाँ पे कंकन करेंगे वेरिएंट को वेरिएंट इज़ इक्वल टू दिस डॉट करंट वेरिएंट डॉट आईडी अब इसके साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं इसके साथ आगे बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम सेव कर लेते हैं और ऊपर हम आते हैं अपने फंक्शन में और यहाँ पे आके हम इसको कॉल कर लेते हैं फिर हमें इस फंक्शन में और इस फंक्शन में यहाँ पे आके हम इसको कॉल करते हैं इफ़ दिस डॉट करंट वेरिएंट अगर तो करंट वेरिएंट के इक्वल होता है तो उस शहरी में हम यूआरएल को अपडेट कर देंगे डॉट अपडेट यू आर एल ओके अब हमारा यहाँ पे यूआरएल भी अपडेट हो चुका हुआ है और रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर वेरिएंट शो होने लागे है मैं इसको लार्ज करूँगा तो लार्ज का हमारा वेरियंट कौन सा है टू जीरो फ़ाइव यहाँ पर टू ज़ीरो फ़ाइव आ गया ब्लैक से मैं इसको ब्लू करता हूँ 261 आ गया और यहाँ पे ऊपर 261 आ गया अब हमारे यूआरएल में वेरिएंट का आइडिया न ला के नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं एक तो हमने करना है अपने फॉर्म आईडी को अपडेट वेरिएंट के हिसाब से और सेकंड वन जो वन जो है वो है हमारा प्राइस सो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट यूआरएल था हमारे पास अपडेट यूआरएल के बाद अब हमने जो सेकेंड फंक्शन हमारा था अपडेट फॉम का यहाँ पर अपडेट फॉम आई का हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है और इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे अपने ऊपर वाले फंक्शन में जो कि हमारे पास है ये वाला लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को आईडी देता हूँ हमारा फॉर्म कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लेट्स सी ये हमारे यहाँ पे फॉर्म है यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फॉर्मा और यहाँ से मैं इसको फॉर्म आई डी दे सो यहाँ पर आई डी प्रोडक्ट हाइफन फॉर्म मैंने आई डी दे दी और उसके बाद मैं क्या करता हूँ मैं इसको नॉन वैलीडे डेट भी कर देता हूँ जस्ट लाइक के मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला फॉर्म एक नॉन वेलीडेट डेट नॉन वैलीडेट ओके अब इसके बाद हम वापस आते हैं अपने अपडेट क्यू के फॉर्म आईडी के फंक्शन में यहाँ पे आके हम एक कॉस्ट क्रिएट करते हैं फॉर्म का कॉस्ट फॉर्म हाइफन इनपुट डॉक्यूमेंट डेट डॉट क्यूरी डी सेलेक्टर लगाएँगे और उसके अंदर हम अपना क्या करेंगे उसके अंदर हम अपनी जो फॉर्म की आईडी थी वो लिखेंगे तो आईडी के लिए हम डॉट नहीं हम हाइफ़न यूज़ करते हैं हाइफ़न कह रहा हूँ हैश टैग के नंबर सिंबल यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट फॉर्म ओके okay. नाउ अब हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पे इसको कंकेटिनेट करना है डॉट क्यूरी सिलेक्टर और इसमें हमने इनपुट और उसके अंदर हमने जो नेम नेम में आई रखवा देंगे तो इनपुट नेम आई ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम फॉर्म इनपुट की जो वैल्यू होगी उसको लेके चलेंगे इसके अंदर हम क्या रखवा देंगे इसके अंदर जो हमारे करंट वेरिएंट की आईडी है वो इसके अंदर हम रखवा देंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दिस डॉट करंट वेरिएंट डॉट आईडी ओके अब यहाँ पे हमने ये जब करवाया और इसके बाद हम ऊपर आते हैं ऊपर अपने यहाँ पर यहाँ पर आके हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं दिस डॉट अपडेट फॉर्म आईडी और इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे लेट्स सेव इट और अपने ब्राउज़र में आते हैं कंसोल को हम नीचे लेके जाते हैं ये हमारे पास जो है ये हमारे फॉर्म की आईडी आ रही है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ओके 493 और ये 493 आ गई अब मैं इसको ब्लू से ब्लैक में जाता हूँ तो आप देखें 437, 437। अब नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है हमने अपनी प्राइस अपडेट करनी है तो उसके लिए हम अपडेट प्राइस का फंक्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ दिस डॉट अपडेट प्राइस अपडेट प्राइस का हमने एक फंक्शन कॉल किया और अब इसको नीचे जाके हम क्रिएट करेंगे अपडेट फॉर्म इसके नीचे जाके अपडेट प्राइस अपडेट यूआरएल आर एल आ गया और इनको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि जिस पे हम फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं वो फंक्शन हमें नज़र आता रहे ओके अपडेट प्राइस के अंदर हम आते हैं और इसके अंदर आके हम लिखते हैं fetch की अरे लगाते हैं अब fetch की अरे क्यों लगाते हैं fetch की अरे हम रेक्स ए पी आई को यूज़ करेंगे प्राइस को गेट करने के लिए तो fetch की मैंने अरे लगाई इसके अंदर fetch बैटिक और इसके अंदर जाके मैं डेटा सेट को कहता हूँ और दिस डॉट डाटा सेट डॉट यू आर एल प्रोडक्ट का यू आर एल आ गया और उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएंट ले आते हैं जस्ट लाइक हमने पहले किया था वेरिएंट बट इस टाइम हम एक चीज़ और करेंगे इसमें इस, इस टाइम हम साथ सेक्शन आई को भी ले आएंगे तो दिस डॉट करेंट वेरियंट आई डी एंड सेक्शन आई डी अब ये सेक्शन आई डी कहाँ से आ रही है ये सेक्शन आई डी भी हमारी वहाँ से ही आ रही है हम अभी क्वान्टिटी पर भी वर्क नहीं कर रहे तो यहाँ पर देखें ये सेक्शन आई डी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ओके okay, हम यहाँ पर आते हैं और सेक्शन आई डी में आके दिस डॉट डेटा सेट डॉट सेक्शन सेक्शन पर आए और उसके बाद हम यहाँ पर डॉट तेन को यूज़ करेंगे डॉट तेन डॉट टेक्स और इसके बाद फिर हम डॉट तेन का फंक्शन लगाते हैं और उसमें हम कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो है हमारा रिस्पॉन्स टेक्स्ट इस फंक्शन में हम मूव करते हैं और यहाँ से हम इस फंक्शन को के अंदर जाके अपना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एस के नाम से पॉस्ट एस और इसके अंदर हम अपना न्यू का फंक्शन लगा के डॉम पार्सर को के यूज करते हैं डॉम पार्सर और इसके साथ टॉट इसको स्ट्रिंग में लेके दें हैं पार्ट्स फ्रॉम स्ट्रिंग रिस्पॉन्स टेक्स्ट और इसके साथ हम इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट एस रख कर देते हैं टेक्स्ट एस ओके okay. अब यहाँ पे के हम अपने प्राइस में जाते हैं ये प्राइस इस टिप के अंदर हम जाते हैं सॉरी आईडी देते हैं आईडी और आईडी हम देते हैं प्राइस आईफ़न सेक्शन आईडी डॉट आईडी आईडी दे दी अपडेट प्राइस के फंक्शन में और यहाँ पे आके हम इससे ऊपर सबसे पहले तो हम देते हैं कॉस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आईडी का price हाई हाई फा तीस डॉट डेटा सेट डॉट सेक्शन ओके अब यहाँ से हम मिकोन लगाते हैं और आते हैं इसके नीचे अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे अब यहाँ पर अपनी जो प्राइस है उसको अपडेट करेंगे जस्ट लाइक मेरे कॉस्ट जो मेरी ओल्ड प्राइस है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डी और इसमें आईडी डी क्रॉस करते हैं सिमिलर वे से मैं कहता हूँ कि जो मेरी न्यू प्राइस है न्यू प्राइस इज इक्वल टू मैं कहता हूँ एच टी एम एल डॉट गेट एलिमेंट बाय आई और इसके अंदर हम अपनी न्यू प्राइस स्टोर करवा देंगे जो कि हमारे पास ऊपर एच टी एम एल के वेरिएबल में सेव यहाँ पे हम सेमी लगाया और इसके साथ हम एक इफ़ टैग लगाते हैं अब इफ़ टैग में क्या लगाता हूँ मैं कहता हूँ इफ़ ओल्ड प्राइस एंड बहुत हमारी जो ओल्ड प्राइस थी और ओल्ड प्राइस के साथ हमारी जो न्यू प्राइस है न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस डॉट इनर एच टी एम एल इज़ इक्वल टू हमारे पास उसके अंदर जो न्यू प्राइस का का इनर एस टी एम एल आ जाए न्यू प्राइस डॉट इनर एच टी एम एल अब इसको मैं सेव करता हूँ सेव करने के साथ मैं क्या काम करता हूँ मैं अपने रिफ्रेश और उसके साथ और यहाँ से अपने एक वेरिएंट के हम प्राइस डिफ़र कर देते हैं सो so डैट के हम इसको हमें पता चल सके कि फ़र्क आ रहा है सो so मैं यहाँ पे लार्ज ब्लैक की प्राइस एट थाउजेंड की बजाय सेवन थाउजेंड करके ओके okay, अब जैकेट में आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की बजाय लार्ज स्मॉल आया लार्ज पे गए तो हमारे पास प्राइस अपडेट होकर सेवन थाउजेंड आ गई है अब अगर मैं अपने इसको क्रॉस करूं और इस पर वर्क करूँ एड टू कार्ट करूँ तो अब देखिए मेरे पास लार्ज ब्लैक ऐड होगी सेवन थाउजेंड की सिमिलर वे से मैं एक स्मॉल में इसको ऐड करता हूँ लाइक मैं इसको स्मॉल ब्लैक ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास एक स्मॉल ब्लैक का वेरिएंट भी ऐड हो गया है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए खुदा हाँ।